परम आदरणीय परम श्रद्धेय राज योगिनी ब्रह्म कुमारी राज दीदी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर संत समागम का आयोजन श्री महावीर जैन भवन नजदीक कपूरथला चौक जालंधर में किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे ब्रह्म भोग का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 1 बजे आशी वर्चन प्रेम श्रद्धे संत समाज एवं वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा विश्व शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन भी किया गया। ये समागम ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी संधीरा बहन, ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी विजय बहन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया ने विशेष रूप से उपस्थित होकर परम श्रद्धे राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी राज दीदी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व SMO RL वसन, डॉक्टर सुषमा चावला सहित आश्रम के सभी भाई और बहनें मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी
आदरणीय राजनीति जीवन असीमानी स्मृति प्रसिद्ध स्वामी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उन्होंने द्वारा अपने जीवन का निर्माण आश्रम प्रति समाज प्रति जीवाजी की सेवा बारे विचार किया मेरे सारे कर रहे थे। तो मेरा भी निजी तौर पर जोड़ा राजनीति के नाम एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। काफ़ी प्रोग्रामों आश्रम के प्रोग्रामों में आम का मौका मिलता सी और साढ़े राजनीति एक बहुत ही समझदार और बड़ी दूरदर्शी सोच जी उन्होंने सी इस जगह पर मना रहे कुछ इंसान कुछ प्राणी इस समाज के कुछ यही छाप छोड़ के जाते हैं जिंदे इतिहास बन जाता है। तो राजनीति जी ने अपने जीवन के सू सारू एक इंसानियत वाली यही राह दिखाई योजे टूटे पा के गए हैं जिंदे चल के सू अपना जीवन सफल करना चाहिए। तो योजना शख्सियत योजे इंसान इस दुनिया के बहुत घट ज्यादा होते हैं। तो मैं इस आश्रम लगभग लगभग आता मौका मिला है और जिन्ना टाइम भी इस जगह से गुजार के जाने रूहानी के नाल परमात्मा के नाल इंसान को जोड़िया जाता है। इंसान टाइम नहीं मिलता लेकिन सू सारों अपने काम काज को अपने गलत जीवन को जरूर कुछ ना कुछ टाइम करना चाहिए परमात्मा के जुड़ना चाहिए। तो यहोजियां रूह जब परमात्मा के नाल जोड़दियाँ हमेशा याद रखना चाहिए। आज हमारे आदरणीय राज दीदी जी उनका आज चौथी स्मृति दिवस महावीर जैन भवन में रखा गया। उनके स्मृति दिवस पर आज संत समागम रखा गया और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत सारे वरिष्ठ जन भी पधारे और लक्ष्य ये था कि जो उन्होंने अपने जीवन में मन वचन कर्म त्याग तपस्या सेवा के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के समर्पित किया समाज के समर्पित किया और मन वचन कर्म समय संकल्प श्वास उन्होंने जैसे सफल किया और आज सभी को ये प्रेरणा दी गई कि हमें भी उस परमपिता परमात्मा से नाता जोड़कर अपने जीवन को सुखमय बनाकर शांति बनाकर शांतमय बनाकर हमें विश्व की आत्माओं को विशेष जलंधर निवासी आत्माओं को उस पिता परमात्मा से योग लगाकर अपने परिवार को अपने समाज को अपने देश को एक सुखमय संसार बनाने की प्रेरणा दी गई।